हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का सुपर पोजिशन ऑफ वेव चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यही लास्ट टॉपिक भी होगा, उसका नाम है बीट्स। ये जो है टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अगर हम उसको अच्छे से समझ ले तो आज हम देखेंगे बीट्स क्या होती हैं, उसको हम मैथमेटिकली कैसे डिराइव करते हैं बीट्स को, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बीट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वैक्सिंग क्या होती है, वैनिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जो है अनअकैडमी। आपको मालूम है जो अनअकैडमी है वो इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे मैं भी आपको पढ़ाने आने वाला हूँ, तो अगर आज अभी तक आप अनअकैडमी से नहीं जुड़े हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अनअकैडमी से जुड़े। अनअकैडमी के एडवांटेजेस आपको सबको मालूम ही होंगे, क्या होगा कि आपको फ्री जो है लाइव क्लासेस अटेंड करते आएंगी, डाउट सेशंस आपके लिए रखे जाएंगे, उसके बाद में फ्री नोट्स होगा, ठीक है। उसके बाद में आप रियल टाइम जो है आपके एजुकेटर्स उनके साथ में डिस्कस कर सकते हो, आपके डाउट सॉल्व कर सकते हो, अनलिमिटेड वीडियो लाइब्रेरी आपको अवेलेबल होगी और ये सब आपको जो मिलेगा वो सिर्फ एक छोटे से सब्सक्रिप्शन लेने से मिलेगा। इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो है 2500 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो, मेरा रेफरल कोड जो है VKR, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, वो VKR अगर आप यूज़ करते हो रेफरल कोड, तो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। इतने से छोटे से सब्सक्रिप्शन में आप अनअकैडमी से बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हो। तो मैं अनअकैडमी से जुड़ के बहुत खुश हूँ। अगर आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करना VKR, आपको 99 का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये था अनअकैडमी के बारे में, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बीट्स जो है देखा होगा हमने, सबसे ज़्यादा हम देखते हैं बीट्स, हार्ट बीट बोलते हैं हम, ठीक है। हार्ट जो हम अगर हाथ रखते हैं तो हार्ट का हमें सेंसेशन होता है, ठीक है, और हार्ट बीट हम बोलते हैं, हार्ट बीट मतलब कि हार्ट का धड़कना, ठीक है। तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी में लब डब बोलते हैं, ठीक है। ये लब डब क्या है, वो एक साउंड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस बीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बीट वर्ड जो है ना वो म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिनको म्यूज़िक का थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको पता होगा कि बीट क्या होता है, बीट कैसे सेट करते हैं वगैरह। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, साउंड का ही होगा। चैप्टर कौन सा है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव, तो इसमें भी क्या होगा, सुपर पोजिशन भी होगा। तो ये सुपर पोजिशन हमने पहले पढ़ा है क्या, तो हमने पढ़ा है। सुपर पोजिशन की वजह से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर रहे थे। स्टेशनरी वेव का हमने एक्सप्रेशन देखा है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोग्रेसिव जो है वेव हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, Y=A sin ωt − kx, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जहाँ पे ओमेगा होता था आपका 2πf, के इज कॉल्ड एज वेव नंबर और के को अपन डिनोट करते थे 2π/λ, ठीक है। के की वैल्यू होती है 2π/λ और एक्स होता है पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। वेव अगर किसी मीडियम से जाती है ना तो पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराती है, ठीक है। तो उस पार्टिकल का, जिस पार्टिकल को वेव वाइब्रेट कराएगी, उस पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस होगा एक्स। ये माइनस के एक्स है तो समझ जाना वेव किधर जा रही है, इधर। अगर ये प्लस हो जाता है तो वेव किधर जाएगी, इधर के साइड। पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर जाना है तो माइनस, ठीक है, और निगेटिव एक्स एक्सिस जाना है तो प्लस, इस तरह से। उसके बाद में हमने क्या करा था, सुपर पोजिशन करा था। एक और ऐसी दूसरी वेव ली थी हमने, सुपर पोजिशन कैसे करा था, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कराने के लिए टू आइडेंटिकल वेव्स ली थी हमने। और आइडेंटिकल वेव्स कैसे प्रोड्यूस करी थी, एक एंड से हमने जर्किंग प्रोड्यूस किया था स्ट्रिंग में, वो वेव जाती थी रिफ्लेक्ट होकर वापस आती थी, और जो जाने वाली वेव और रिफ्लेक्ट होकर आने वाली वेव दोनों एक दूसरे पे क्या होती थी, सुपर इम्पोज होते थे, और क्या मिलता था हमको, स्टेशनरी वेव मिल जाता था। उसके बाद में हमने क्या देखा, हमने देखा स्ट्रिंग पे वेव कैसी बनती है, ठीक है। स्ट्रिंग का हमने वाइब्रेशन पढ़ा था, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ओवरटोन्स हमने देखा था, और साउंड के लिए क्या करा था हमने, पाइप लिया था, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पाइप थे,
पाइप में हमने क्या करा था, ट्यूनिंग फॉक्स से वेव भेजी, वो क्या होगी अगर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है तो उस क्लोज एंड से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके क्या होगा सुपर पोजिशन होगा और कुछ ना कुछ हारमोनिक प्रोड्यूस होंगी। तो पाइप ओपन एट बोथ एंड भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो बीट में ऐसा क्या अलग है, ठीक है। तो हम अभी पढ़ लेते हैं कि जो स्टेशनरी वेव में होता था प्रोड्यूस करने के टाइम और बीट्स में क्या अलग है, डिफरेंस क्या है। तो पहला, जो दो वेव्स होती थी ना सुपर पोजिशन के टाइम पे, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कराने के टाइम पे, उनका एम्पलीट्यूड सेम था। पहली वेव का एम्पलीट्यूड ए वन और दूसरी का ए टू दोनों सेम था, इसमें वो कुछ डिफरेंस है नहीं, ठीक है। हम सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहली वेव का और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड सेम होगा। यहाँ पे क्या होता था, जो हमारी जाने वाली वेव थी और आने वाली वेव थी, वेव्स जो थी, वेव्स जो हो रही थी, जिनको हम सुपर पोजिशन मतलब जिनका हम सुपर इम्पोज कर रहे थे, जिनको वो क्या थे, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली होनी चाहिए थी। ये इंसिडेंट वेव गई थी और रिफ्लेक्टेड आती थी, ये दोनों सुपर इम्पोज होके क्या बनती थी, स्टेशनरी वेव। ये बहुत एक बड़ा डिफरेंस है स्टेशनरी वेव के कंसेप्ट में और बीट्स के कंसेप्ट में। यहाँ पे क्या होगा, बोथ वेव्स विल ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुपर पोजिशन के टाइम पे या स्टेशनरी वेव के टाइम पे क्या होता था, जो सुपर इम्पोजिशन हमको करना था दो वेव्स का, वहाँ पे क्या होता था, एक वेव की डायरेक्शन जाने वाली थी तो दूसरे वेव की डायरेक्शन आने वाली थी। क्या था, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का सुपर पोजिशन होता था, तो डायरेक्शन अपोजिट होती थी। यहाँ पे सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे और दोनों सेम डायरेक्शन में जाके इंटरफेरेंस कराएंगे या उनका सुपर पोजिशन होगा। थर्ड वाला, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम था, नेक्स्ट बिग डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो होगी स्लाइटली डिफरेंट, डिफरेंट नहीं लिखेंगे, स्लाइटली डिफरेंट। जो दो वेव्स होंगी अलग अलग, उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। फ्रीक्वेंसी अलग अलग कितनी होगी, दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, तो अलग अलग बुक जो है उसने दो वेव्स जिनको हम सुपर इम्पोज कराएंगे उनकी जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट बोली है, उसके आगे एक वर्ड भी जो है वो है स्लाइटली। इस स्लाइटली वर्ड को लाइटली मत लेना, ये स्लाइटली डिफरेंट जो वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, मान लो n1 माइनस n2 जो है वो लेस देन 16 होना चाहिए, जो हमारे एस सी वर्मा सर है उनके हिसाब से, और अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। हमें ये भी देखने को मिलेगा ज़्यादातर, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 10 भी देखने को मिल सकता है, मतलब फ्रीक्वेंसी में कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 10 हर्ट्ज तक का डिफरेंस या 15 हर्ट्ज तक का डिफरेंस एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बीट्स जो है वो आपको ढंग से सुनाई नहीं देंगे, ठीक है। अभी बीट का क्या है म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो देखो साउंड का मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड के साथ में सुनाई देना, उसी को बोलते हैं बीट्स, ठीक है। जब भी कोई म्यूजिक बजता है, स्पीकर में से कोई आवाज़ आता है, तो स्पीकर में से आवाज़ होता है तो कैसे होता है, बड़ा आवाज़ सुनाई देता है, बाद में धीरे होता है, बड़ा होता है बाद में धीरे, तो ये जो बड़ा धीरे ये जो हो रहा है उसी को हम बोलते हैं बीट्स। तो एक सेकंड में जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी कितनी बार मैक्सिमम और कितनी बार मिनिमम हुई वो कैलकुलेट करना, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना, क्योंकि साउंड का जो इंटेंसिटी है वो टाइम के हिसाब से अभी चेंज होगा, ठीक है। इंटेंसिटी चेंज होगा तो कभी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, कभी इंटेंसिटी मिनिमम होगा, कभी मैक्सिमम होगा कभी मिनिमम होगा। तो एक सेकंड में साउंड का इंटेंसिटी कितनी बार मैक्सिमम हुआ या फिर कितनी बार मिनिमम हुआ वो मेजर करना, मतलब क्या मेजर करना, हमारा बीट का फ्रीक्वेंसी मेजर करना। बीट फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे हम, वही हमारा एंड होगा वीडियो का, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये एक बढ़िया डिफरेंस है, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बीट का आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। हमें क्या करना है, दो वेव्स लेनी है, ठीक है, जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो लेकिन फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस हो, ठीक है। दो वेव्स जो है वो प्रोग्रेसिव वेव होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ पहली वेव, देखो जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक है उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन यूज़ किए हैं, क्यों मालूम नहीं, हम सिंपल तरीके से जाएंगे।
पहली वेव को लिखेंगे हम y1 वन इज इक्वल टू ए साइन, आपका जो बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड उसमें क्या करा है, ओमेगा को 2 पाई एन लिख दिया है, ठीक है, और जो k है उसको 2 पाई अपॉन लैम्बडा लिख दिया है, बाद में कॉमन निकाल के इक्वेशन बनाया है। वैसा नहीं करेंगे हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे क्या, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, दोनों जो वेव्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होंगी, जैसे ही उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होंगी ये ओमेगा भी, पहली वेव के लिए हमको ओमेगा वन लिखना पड़ेगा क्योंकि अब भी मैंने बताया कि ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई वेयर एन इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज करो तो ओमेगा चेंज, तो पहले वेव का फ्रीक्वेंसी अगर एन वन है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएंगी, ओमेगा वन। वैसे ही के चक्कर में भी होगा, ठीक है, अगर k का आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो k का जो फार्मूला है वो है ओमेगा अपॉन वी, k इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी। देखो दोनों वेव्स जो जाएंगी वो एक ही मीडियम में जाएगी, एक ही मीडियम में जाएंगी ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन अलग अलग वेव का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से पहले के लिए ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा वन, तो k क्या हो जाएगा, k1। इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है हमको, लेकिन चलो ये फार्मूला ध्यान में रखो, k इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी। तो पहली वेव हम ऐसे रिप्रेजेंट कराएंगे, दूसरी को कैसे करेंगे, y2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड सेम बोला है, दोनों वेव्स का क्या सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम, साइन यहाँ पे ओमेगा वन है तो अभी ओमेगा टू लिख देंगे, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पे भी के टू एक्स लिख देंगे, ठीक है। ये कैसे प्रोड्यूस कराएंगे, दो अलग अलग ट्यूनिंग फॉक लेंगे, ट्यूनिंग फॉक देखे होंगे आपने, ऐसा होता है पहला वाला, और इसको अगर हम हैमर करते हैं तो ये साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, ये कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा वो इस ट्यूनिंग फॉक पे लिखा होता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ट्यूनिंग फॉक पे लिखा होता है। तो दो ट्यूनिंग फॉक लेंगे, दोनों ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, ठीक है, दोनों को ऐसे बाजू में रखेंगे, ठीक है, ऐसा है ऐसा है, दोनों एक ही जगह पर रखेंगे, ठीक है, और इसके नेक्स्ट जस्ट बाजू में कौन खड़ा होगा, ऑब्जर्वर, ये पहला है ये दूसरा है और ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, मान लो x इज इक्वल टू जीरो पे, हम x इज इक्वल टू जीरो कर देंगे क्योंकि हमें सिंपल मेथड से जाना है। x इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या, पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल, देखो क्या होगा, ये पहला वेव भेजेगा, ये दूसरा भी वेव भेजेगा, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी, दोनों वेव इस पार्टिकल से पास होंगी, तो x क्या बताता है, जो वेव हमारे पार्टिकल को वाइब्रेट कराने वाली है उस पार्टिकल का पोजीशन कहाँ से, जहाँ से वेव्स का स्टार्टिंग पॉइंट है ना वहाँ से, तो हम क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू जीरो, जो चीज़ x इज इक्वल टू जीरो के पार्टिकल पे होगी, ठीक है, वही चीज़ उसके आगे भी होने वाली है, तो x इज इक्वल टू जीरो ले लेंगे ताकि क्या होगा, ये हमारा हट जाएगा, और ऐसा नहीं कि x इज इक्वल टू अगर हम दूसरा लेते तो इक्वेशन सही नहीं मिलता, इक्वेशन फिर भी सही मिलता, लेकिन हमको सिंपल तरीके से जाना है, तो यहाँ का भी जो पार्टिकल है वो भी इसी तरह से बिहेव करेगा, एक पार्टिकल जैसे बिहेव करेगा ना वेव जाने के बाद में, उसी तरह से ये वाला भी बिहेव करेगा, ठीक है, तो इतना चिंता वाली बात नहीं है। तो हमने सुपर पोजिशन पढ़ा है, क्या होगा, ये वेव इसको ऑसोलेट कराएगी पार्टिकल को, ये वेव भी इसको ऑसोलेट कराएगी पार्टिकल को, तो पार्टिकल कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ऑसोलेट कैसे होना है, ठीक है, तो पार्टिकल ऑसोलेट कैसे होता है, तो हम क्या करते हैं, जो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, वो क्या करते हैं, इन दोनों की वेक्टर एडिशन, मतलब क्या, यहाँ पे हम साउंड वेव पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पार्टिकल है, पहली वेव अगर इसको इस एम्पलीट्यूड से उधर के साइड 2 मीटर ढकेलना चाहती है, और इसकी वेव अगर इसको 1 मीटर इधर ढकेलना चाहती है, तो ये भाई साहब किधर जाएंगे, वो जाएंगे इधर के साइड, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर एडिशन होगा और हो जाएगा 1 मीटर इधर के साइड में, ये वाला सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम देख चुके हैं, वही हमको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, जो कुछ डिफरेंस था स्टेशनरी वेव का और बीट्स के लिए वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो अभी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब क्या है, पार्टिकल हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो, हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला जो पार्टिकल है ना उसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चलो पहले वाई वन लिख लेता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा वन टी, और वाई टू हो जाएगा ए साइन ओमेगा टू टी। बोला अभी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा,
तो वेक्टर सम होगा y इज इक्वल टू दोनों का y1 वन प्लस वाई टू इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा वन टी प्लस ए साइन ओमेगा टू टी। क्या दिख रहा है आपको? ए कॉमन निकाल लेंगे, ए कॉमन निकालने के बाद में देखो अंदर कौन बचता, साइन ओमेगा वन टी प्लस साइन ओमेगा टू टी। अभी आपको फॉर्मूला मालूम है कौन सा वाला, साइन ए प्लस साइन बी का, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी क्या बोलता है, टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। आपको दिख रहा है फॉर्मूला? ओके, तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, टू है, टू है, ए भी है, चलो साइन ए प्लस बी अपॉन टू ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, ठीक है, अपॉन टू इंटू क्या कर दूँ मैं, टी कॉमन निकाल दूँ। सिंपल है, ए की जगह पे ओमेगा वन टी है, बी की जगह पे ओमेगा टू टी है, उनको ऐड करेंगे तो टी कॉमन निकाल के बाहर रख देता हूँ मैं, ठीक है, और अपॉन टू तो है ही ऐसे भी, इंटू कॉस क्या हो जाएगा, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अपॉन टू इंटू टी, ठीक है। ये है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अभी थोड़ा याद करो प्रोग्रेसिव वेव को, इक्वेशन ये है प्रोग्रेसिव वेव का, इतना होता था एम्पलीट्यूड, उसमें सिर्फ इतना ही एम्पलीट्यूड होता था, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ये ही था। उसके बाद में आप देखना स्टेशनरी वेव में, स्टेशनरी वेव में क्या आ गया था, जो एम्पलीट्यूड था उसमें कॉस टर्म आ गई थी, ठीक है, कॉस टू पाई एक्स वगैरह होता था उसमें, लेकिन उसमें टी नहीं होता था। स्टेशनरी वेव का अगर आप रिजल्टेंट देखोगे उसमें भी हमने ऐसे ही निकाला था, ठीक है, सुपर पोजिशन करा था स्टेशनरी वेव लाने के लिए, लेकिन उसमें जो था, देखो मैं उसको दोबारा लिखता हूँ, टू एज इट इज लिखता हूँ, और एक कॉस को इधर लेके आता हूँ मैं, कॉस अपॉन टू इंटू टी इंटू साइन ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू अपॉन टू इंटू टी। अगर आपने ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू अपॉन टू अगर बोला तो ये क्या है, दिस इज मीन फ्रीक्वेंसी, दिस इज मीन फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी है उनका मीन कैसे निकालेंगे ऐसा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इतना जो पोर्शन है इसको किस में गिनता हूँ, इसको एम्पलीट्यूड में गिनता हूँ, और इतना जो है उसको आगे लगा देता हूँ, ठीक है, इसको आगे लगा देंगे। ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू अपॉन टू की जगह पे मैं एक सिंपली ओमेगा लिख लूँगा, और ओमेगा को ओपन बोल देंगे कि मीन फ्रीक्वेंसी है, किन दो वेव्स की, इन दो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसीज है उनका मीन निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो चलिए अभी करते हैं अपन। ये देखो एम्पलीट्यूड जो है, ठीक से देखेंगे एम्पलीट्यूड में यहाँ पे क्या है, टी है आपका, तो उससे क्या पता चलता है आपको कि ये जो पार्टिकल है ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल, एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल का एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड है, एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम पे डिपेंड है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी क्या थी, प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी थी कि जब कोई प्रोग्रेसिव वेव किसी मीडियम से जाती है सारे पार्टिकल्स एक ही एम्पलीट्यूड के साथ में ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, वाइब्रेट करेंगे, लेकिन इसमें वैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है पार्टिकल का एम्पलीट्यूड टाइम के जब टाइम के साथ अपन उसको ग्राफ प्लॉट करेंगे उसका, तो टाइम पे क्या हो, डिपेंडेंट है, टाइम के साथ में इस वेव जो बीट हमारा प्रोड्यूस होगा उस पार्टिकल पे, उस पार्टिकल की पोजीशन पे, तो पार्टिकल का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तब क्या होगा, जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तब क्या होगा, वो वाला कंडीशन निकालते हैं, ग्राफ भी हम निकालेंगे, ग्राफ लास्ट में, ठीक है। देखो ये जो है इतना क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इज टाइम डिपेंडेंट, टाइम पे एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहला लेते हैं हम वैक्सिंग। अभी वैक्सिंग क्या होता है, वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहा तो क्या होगा, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम। जब भी आप कोई साउंड सुनोगे, ठीक है, जब भी आप कोई बीट सुनोगे, ठीक है, जब साउंड का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, जब उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, जब आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा हमको, उसको हम बोलेंगे वैक्सिंग, ठीक है। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले साउंड को क्या बोलेंगे अपन, वैक्सिंग हुआ है। तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, मतलब इसको 2a
cos ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अपॉन टू इंटू टी इज इक्वल टू क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा मतलब प्लस माइनस इसको किससे इक्वेट कर देंगे अपन, प्लस माइनस इसको इक्वेट करा देंगे अपन 2a से। सही है, कैसे अभी 2a से, देखो ये रिजल्टेंट है, दो वेव का अपन क्या कर रहे हैं, सुपरपोजिशन कर रहे हैं, सुपरपोजिशन कर रहे तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब पहले का एम्पलीट्यूड और दूसरे का एम्पलीट्यूड एक दूसरे में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो पहले का एम्पलीट्यूड a है, दूसरे का भी एम्पलीट्यूड a है, तो दोनों कितना हो जाएगा 2a, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, प्लस माइनस 2a। ठीक है, तो देखना ये जो एम्पलीट्यूड है, और इसको मैं अच्छे से लिख दूँ, ये जो पूरा है इसको मैं लिख दूँ a, उसके बाद मैं लिखूँगा साइन, और इसको लिख देते हैं ओमेगा t। रिजल्टेंट देखो, जो पार्टिकल वाइब्रेशन कर रहा, ठीक है, वो भी क्या है, क्या इक्वेशन दे रहा है हमें, SHM का इक्वेशन। ठीक है, तो कोई भी वेव अगर जाती है पार्टिकल से, एक मीडियम में अगर जाएगी, जब पार्टिकल पे रीच होगी तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल जो है वो सिंपली SHM परफॉर्म करेगा या ऑसुलेशन। ठीक है, तो वो ऑसुलेशन जब होगा पार्टिकल का, तो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, तो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब दो वेव इंटरफेयर हो रही है, उन दोनों के एम्पलीट्यूड एक साथ अटैच हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगे, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना हो सकता है। ठीक है, तो ये 2a कट हो जाएगा। सही है, देयरफॉर कॉस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अपॉन टू इंटू टी कितना होगा, प्लस माइनस वन। सही है, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, कॉस अभी लिखता हूँ ओमेगा वन और ओमेगा टू को, क्या करेंगे अपन, नहीं तो चलो रहने दो, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अपॉन टू इंटू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन तो हो गया, तो डायरेक्ट अपन लिखते हैं कि ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अपॉन टू इंटू टी कितना होगा, तो वन कब होगा, कॉस जीरो वन होता है, तो ये जो ब्रैकेट है उसकी जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, जीरो, क्योंकि कॉस ये पूरा टर्म मतलब ये जो नीचे लिया हमने वो इज इक्वल टू प्लस माइनस वन चाहिए, प्लस वन कब होगा, जब कॉस जीरो होगा, उसके बाद में माइनस वन कब होगा, पाए वापस टू पाए वापस थ्री पाए, ऐसे करते जाएंगे अपन। सही है, पाई पे माइनस वन, टू पाई पे वापस जीरो, थ्री पाई पे माइनस वन, इस तरह से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू को है ना टू पाई में लिख लेता हूँ फ्रीक्वेंसी में। देखो यहाँ से टू पाई कॉमन निकाल लेंगे, ये बचेगा एन वन माइनस एन टू अपॉन टू, सही है, इंटू टी इज इक्वल टू जीरो पाई टू पाई थ्री पाई एज इट इज। देखो क्या हुआ, टू टू कट हो गया। हम अभी क्या करते हैं, हम टाइम्स निकालते हैं कौन से टाइम पे हमें जो है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला टाइम देखो क्या होगा, देखो हमें जो अभी मिल रहा है पाई इन ब्रैकेट एन वन माइनस एन टू इंटू टी इज इक्वल टू, इतनी सारी वैल्यू मिल रही है हमको। पहले जीरो से कंपेयर करते हैं, जीरो से कंपेयर करेंगे तो टी सबसे पहले क्या होगा, जीरो। उसके बाद में यही पे देखना, ढंग से कंपेयर करो पाई के साथ, पाई के साथ में जैसे भी कंपेयर करोगे पाई और पाई कट हो जाएगा, पाई और पाई कट हो जाएगा तो टी क्या मिलेगा मुझे, टी मिलेगा। देखो इसके लिए मैं करके बताता हूँ, चलो टी इज इक्वल टू जीरो तो मुझे मिल गया, इसके लिए पाई एन वन माइनस एन टू इंटू टी किससे इक्वेट करते हैं, पाई से, ये बोल लो टी वन था ये टी टू, कौन से टाइम पे मुझे और मैक्सिमम मिलेगा, तो पाई और पाई कट हो गया, इधर वन बचा, टी टू कैसे मिलेगा, ये नीचे चल जाएगा, तो टी टू इज इक्वल टू मिला मुझे वन अपॉन एन वन माइनस एन टू। उसी तरह से टी थ्री निकालेंगे, टी थ्री के लिए इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, टू पाई से, तो पाई एन वन माइनस एन टू इंटू टी थ्री इज इक्वल टू टू पाई, पाई पाई कट हो जाएगा, टी थ्री कैसे निकलेगा, ये नीचे चल जाएगा, तो टी थ्री क्या निकला, टू अपॉन एन वन माइनस एन टू। फोर कैसे निकलेगा, उसी तरह से, फोर के लिए किससे कंपेयर करेंगे, थ्री पाई से, तो पाई एन वन माइनस एन टू टी फोर इज इक्वल टू थ्री पाई, पाई पाई कट हो जाएगा, टी फोर कैसे निकलेगा, ये डिवाइड हो चल जाएगा। ठीक है, तो टी फोर इज इक्वल टू थ्री अपॉन एन वन माइनस एन टू। तो इसी तरह से हम आगे के टाइम्स भी निकाल सकते हैं कि उन टाइम्स पे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा,
तो जो होगा क्या सुनाई देगा हमको, वैक्सीन। तो हम पहले क्या करते हैं, मैक्सिमम साउंड जब सुनाई देगा उसका टाइम मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी वन इज इक्वल टू जीरो होगा, उसके बाद में टी टू लिखेंगे, उसके बाद में टी थ्री। तो टी की वैल्यूज क्या होती जाएंगी, टी की वैल्यूज होती जाएंगी जीरो, उसके बाद में वन अपॉन एन वन माइनस एन टू, उसके बाद में टू अपॉन एन वन माइनस एन टू, उसके बाद में थ्री अपॉन एन वन माइनस एन टू, उस तरह से आगे चलता जाएगा। हम निकालेंगे टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग, ये निकालते पहले। दो वैक्सिंग जब सुनाई देंगे, दो जब लाउड साउंड सुनाई देंगे, उनके बीच का टाइम इंटरवल निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये एक टाइम है, ये एक टाइम है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आएगा, ठीक है। वन अपॉन एन वन माइनस एन टू माइनस जीरो, कितना आया, वन अपॉन एन वन माइनस एन टू, ठीक है। दूसरा इससे इसको निकालो, ये बड़ा है ये छोटा है, टू अपॉन एन वन माइनस एन टू माइनस वन अपॉन एन वन माइनस एन टू, कितना आ जाएगा, वन अपॉन एन वन माइनस एन टू। वैसे इन दोनों के बीच का निकाल लो, सक्सेसिव वैक्सीन के बीच का। एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सीन विल बी सेम, सो दिस पीरियडिक टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ द बिट। जो ये टाइम पीरियड आपको मिल रहा है दो सक्सेसिव किसके बीच में, वैक्सीन के बीच में, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ बिट्स। अभी टाइम पीरियड ऑफ बिट मिल गया तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टी, वन अपॉन टी मतलब ये जो टाइम पीरियड मिला है हमको वन अपॉन एन वन माइनस एन टू, इसको उल्टा कर दो क्या मिलेगा, एन वन माइनस एन टू। तो बिट फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं एन वन माइनस एन टू को, एन वन माइनस एन टू मतलब बिट फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो, पहली फ्रीक्वेंसी में से दूसरी माइनस कर दो, या फिर ढंग से इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी निगेटिव नहीं होती, तो उसको किस में डाल देना, मॉड में डाल देना, आपको आ जाएगा बिट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। अभी जो है हमने किया मैक्सिमम वैक्सिंग के लिए, अभी हम करते हैं वैनिंग के लिए। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, अभी हम देखेंगे फिर वैनिंग का। चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं वैनिंग का, डब्ल्यू ए डबल एन आई एन जी। वैनिंग मतलब ऐसा जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगी। एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना होगा, जीरो, फिर इंटेंसिटी मिनिमम भी कितनी होंगी, जीरो। तो एम्पलीट्यूड मिनिमम बता देते हैं, ठीक है, जीरो बता देते हैं। देयरफॉर टू ए कॉस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अपॉन टू इंटू टी इज इक्वल टू कितना बताते हैं, जीरो। तो टू ए निकल जाएगा, फिर टू ए निकल लेगा। देयरफॉर कॉस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अपॉन टू इंटू टी इज इक्वल टू जीरो। अभी कॉस जीरो कब कब हो सकता है, टाइम चेंज हो गया तो कुछ भी हो टाइम, हमको क्या मिलना चाहिए, वैक्सीन और सॉरी वैनिंग मिलना चाहिए जिसका एम्पलीट्यूड जीरो, इंटेंसिटी जीरो। तो ये पूरा फंक्शन जीरो कब होगा, कॉस क्या करेंगे तो जीरो होगा। तो हमको ये जो है टाइम डिपेंडेंट वैल्यू वो निकालने हैं, वो कितना आना चाहिए, कॉस पाई बाई टू मतलब कॉस नाइन्टी जीरो होता है, तो ये आना चाहिए पाई बाई टू, उसके बाद में थ्री पाई बाई टू, क्योंकि 270 पे भी कॉस जीरो होता है, थ्री पाई बाई टू 70 होता है। उसके बाद में करेंगे क्या, फाइव पाई बाई टू, उसके बाद में चलता जाएगा सीक्वेंस। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो है ना इसको ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू उसको टू पाई के टर्म में लिखता हूँ, टू पाई एन वन माइनस एन टू अपॉन टू, टू टू कट हो गया, इन टू टी इज इक्वल टू पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू। अभी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ही कंपेयर करता हूँ। देखो पहले पाई बाई टू के साथ में कंपेयर करो, क्या होगा, पाई और पाई कट हो जाएगा, टी के साथ में ये मल्टीप्लाई को है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो पहला टी वन मुझे क्या मिलेगा, पाई के पाई साथ, पाई के साथ तो पाई कट हो गया, तो ऊपर वन, ये नीचे का टू एज इट इज़, और ये टी के साथ में ये मल्टीप्लाई को है ये चल जाएगा डिवाइड को। चलो टी टू कैसे निकालेंगे, अभी थ्री पाई बाई टू के साथ में कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये वाला पाई, ये वाला पाई कट, टू 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 ऑलरेडी कट बैठा है, एन वन माइनस एन टू मल्टीप्लाई को है टी के साथ में, उधर जाके डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, थ्री ऊपर का ऊपर है टू, और ये वापस एन वन माइनस एन टू। उसी तरह से टी थ्री बताओ,
फाइव पाई के साथ में कंपेयर करो, फाइव पाई के साथ में अगर कंपेयर करेंगे तो पाई पाई कट, ठीक है, इधर बचा फाइव बाई टू, उधर इधर का पाई कट, टी के साथ में ब्रैकेट मल्टीप्लाई को उधर चल जाएगा, फाइव बाई टू एन वन माइनस एन टू। तो ये टी वन टी टू थ्री थ्री ऐसे टाइम्स है जिस टाइम पे जो साउंड है उसका जो इंटेंसिटी है, जिसका जो एम्पलीट्यूड है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, कोई भी कर लो, टी टू माइनस टी वन कर लो और टी थ्री माइनस टी टू कर लो, देखो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। थ्री बाय टू एन वन माइनस एन टू माइनस वन अपॉन टू एन वन माइनस एन टू, उधर का दिखेगा क्या आपको, ठीक है। तो देखो दोनों का बेस सेम है, टू इंटू एन वन माइनस एन टू, ऊपर थ्री माइनस वन कितना जाएगा, टू कट, ठीक है। तो टी क्या मिला, वन अपॉन एन वन माइनस एन टू। नीचे के लिए भी करते हैं, क्या है, टी थ्री माइनस टी टू, ये वाला नीचे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टी थ्री है फाइव बाई टू एन वन माइनस एन टू, ठीक है, एन वन माइनस एन टू माइनस ये है थ्री बाय टू एन वन माइनस एन टू, दोनों का बेस सेम है, फाइव माइनस थ्री कितना हो जाएगा, टू, टू अपॉन टू इंटू एन वन माइनस एन टू, फिर से टू टू कट। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड आपको फिर से क्या मिला, यहाँ पे भी टाइम पीरियड आपको मिला, टी इज इक्वल टू वन अपॉन एन वन माइनस एन टू। तो फ्रीक्वेंसी कितना मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, वो है एन वन माइनस एन टू। तो केस आप कुछ भी ले सकते हो, टू सक्सेसिव वैक्सिंग के बीच का टाइम पीरियड निकाल लो, उसको रेसिप्रोकल करके बिट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, या फिर टू सक्सेसिव वैनिंग के बीच का आप क्या निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, और आपको उसका रेसिप्रोकल करके फिर भी बिट फ्रीक्वेंसी सेम ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा बिट का टॉपिक, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये बिट फ्रीक्वेंसी कैसे आता है, ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफिकली। यहाँ पे जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो टाइम पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। पार्टिकल का जो SHM हो रहा है उस SHM का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे टाइम के साथ में, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी हम ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। दो वेव्स लेनी है, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होनी चाहिए। मान लो ये टाइम एक्सिस है, ग्राफ आप किस एक्सिस के साथ में निकाल रहे हो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, टाइम से डिपेंडेंट है, टाइम पे आप ग्राफ निकाल रहे हो, ठीक है। ये है और ये लास्ट वाला, ठीक है, ये है टी टी टी, नीचे का दिखेगा क्या आपको, ओके। मान लो पहली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड है ऐसा, ठीक है, एक दो, कितनी वेव्स प्रोड्यूस कर रहा, एक दो तीन चार पाँच छः, कितनी वेव प्रोड्यूस करी, छः। अभी हमको क्या बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी है आपका दोनों वेव्स का थोड़ा सा अलग अलग होना चाहिए। ये पहली वेव है, मान लो ये इतना पूरा टाइम कितना है, एक सेकंड का ही टाइम है, यहाँ से इतना पूरा कितना है, एक सेकंड, इसने कितनी वेव प्रोड्यूस की, सिक्स वेव्स, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच और छः। अभी हम क्या करते हैं ना, इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, एम्पलीट्यूड सेम रखते, दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है, डायग्राम पे मत जाओ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक करनी है, नौ कर देता हूँ मैं, ठीक है, नौ। तो देखो ये है हमारा एन वन और ये है हमारा एन टू, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस देखो, यहाँ पे एक इसमें बन रही है नाइन वेव्स, तो एन टू बड़ा है एन वन छोटा है, तो मॉड ऑफ एन वन माइनस एन टू कितना आ जाएगा, थ्री। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि बिट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, थ्री। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत ड्रा करा है, ये पूरी नौ की नौ जो है ना वो इसमें बैठनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये नाइन वेव्स है, ठीक है, दोबारा नहीं तो ड्रा करना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो दो वेव्स को हम सुपर इम्पोज कराएंगे, जब दोनों पे हम सुपर इम्पोज कराएंगे तो कितने बीट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, इन इस एक सेकंड में कितने बीट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, तो हमको समझ में आना चाहिए।
तो एक सेकंड में कितने बीट्स प्रोड्यूस होंगे? एक सेकंड में 3 बीट्स प्रोड्यूस होंगे। और वो बीट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? वो जो बीट्स प्रोड्यूस होंगे उनका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1, 2 और 3 गिरा दूँगा। अभी देखेंगे कि बीट्स कैसे होंगे। तो ये ऐसे होंगे, ठीक है। और एक और ड्रॉ कर देता हूँ मैं ऐसा। ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये एम्पलीट्यूड का एनवलप ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। कॉस वाला टर्म जो है पहला, वो टाइम पे डिपेंडेंट है, तो एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा। अभी हम इसमें क्या करते हैं, देखो ये जो है इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो ऐसा समझ लो कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपको बाद में आएगा कम्युनिकेशन चैप्टर में, ठीक है। इसके हिसाब से इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, ठीक है। तो देखना क्या होगा, सॉरी मैंने उल्टा बोला, इसके हिसाब से इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे। कैसे, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसको, N1-N2 या N2-N1। इन दोनों के फ्रिक्वेंसी के डिफरेंस से हमको पता चल जाता है कि हमको बिट्स कितने मिलेंगे। तो डिफरेंस निकाल लिया मैंने फ्रिक्वेंसी का, यहाँ पे 6 वेव्स थी एक सेकंड में, यहाँ पे 9 वेव्स है, डिफरेंस है 3, तो 3 बिट्स बना लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बताते हैं, एक ये देखो, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड जो है सबसे मैक्सिमम, और इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मिनिमम, ठीक है। एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड है, एक की पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कर रहे हैं हम, टाइम का है, एक्सिस कौन सा है, टाइम। एक ही पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे, देखो कैसे होगा, जो एक पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड ऐसे 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 कम ज़्यादा होते जाएगा। फिर से बताता हूँ, पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड कम है, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, वापस कम 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 कम, वापस बहुत ज़्यादा, वापस कम 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 कम, टाइम के हिसाब से, जगह वही है उसकी, ठीक है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जो है पार्टिकल का कम, मैक्सिमम, वापस कम, वापस थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बड़ा, वापस कम, कम, जीरो, वापस धीरे धीरे बढ़ेगा, बड़ा, वापस कम। इस तरह से क्या प्रोड्यूस होती जाएंगी, आपकी बिट्स प्रोड्यूस होती जाएंगी। तो आपको ग्राफ का भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले वेव्स, पहली जो वेव है वो एक सेकंड में इतनी वेव्स बनाती है, ठीक है, और दूसरी वेव की इतनी वेव्स बन रही है एक सेकंड में। एक सेकंड में दिया है मतलब क्या, उसका फ्रीक्वेंसी दिया है। तो बीट्स कितने बनेंगे, तो दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है एक दूसरे से माइनस कर दो, जो आएगा इंटीजर नंबर उतनी हमारी क्या प्रोड्यूस होंगी, बीट्स प्रोड्यूस होंगी। तो दोस्तों ये था आज हमारा बीट्स का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।